हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने किसी भी तरह के टीवी को अपने ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों ब्लूटूथ के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है और उसमें ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है, या फिर दोस्तों किसी भी तरह का LED टीवी है तो उसमें ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से दोस्तों आप अपने किसी भी तरह के ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ अपने टीवी को कनेक्ट कर सकोगे। अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है फिर भी दोस्तों आप कनेक्ट कर पाओगे, तो सारा कुछ मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने एंड्रॉयड टीवी को कैसे ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है कि मेरे पास स्मार्ट टीवी है लेकिन उसमें ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे जो है कनेक्ट कर पाएं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है उसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, या फिर दोस्तों कोई भी नॉर्मल LED टीवी है उसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप अपने उस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने ब्लूटूथ बूफर हो, चाहे होम थिएटर हो, चाहे या फिर दोस्तों ब्लूटूथ ईयरफोन हो, किसी भी तरह के ब्लूटूथ डिवाइस को आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर पाओगे और सारा ऑडियो जो है टीवी का वो आप अपने होम थिएटर में सुन पाओगे और टीवी का जो वीडियो है वो टीवी में देख पाओगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सब कुछ करना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन के पास, और ये रहा हमारा जेब्रोनिक का ब्लूटूथ होम थिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन के पास, और ये रहा दोस्तों हमारा जेब्रोनिक का 5.1 जैक ब्लूटूथ होम थिएटर, और ये रहा दोस्तों हमारे पास 32 इंच मी एंड्रॉयड टीवी। दोस्तों पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे टीवी में ब्लूटूथ अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों सपोज़ अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कनेक्ट करना होता है। दोस्तों उसके लिए आपके पास ये डिवाइस होना ज़रूरी है, इस डिवाइस का नाम है दोस्तों ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो दोस्तों मैं इसका पैकेट भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों, ये रहा ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसका यही काम है दोस्तों कि अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है तो दोस्तों ये आपके टीवी को ब्लूटूथ बनाता है। जैसा कि यहाँ पे फोटो में भी आप देख पा रहे हो, ये कनेक्टेड हुआ है हमारे टीवी से और इस डिवाइस के साथ, और ये दोस्तों हम ब्लूटूथ स्पीकर में या फिर ब्लूटूथ हेडफोन में भी हम आराम से सुन सकते हैं। ट्रांसमीटर मोड यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर रिसीवर मोड भी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है और उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो उसके लिए दोस्तों आपको ये डिवाइस परचेस करने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये दोस्तों इजीली आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको 300 से 250 रुपए के इजीली रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इसके साथ ये वाली केबल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस केबल को दोस्तों हमें पीछे के साइड में यहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब केबल का ये दूसरा साइड जो है ये हमारे टीवी में जाके कनेक्ट होता है, मतलब कि दोस्तों हम अपने टीवी में जो भी ऑडियो जैक कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा उसमें हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। चलिए हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों इसमें USB लगाने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दोस्तों इसमें पावर सप्लाई हमें देना होता है। तो पावर सप्लाई कैसे दे सकते हैं दोस्तों, हमें किसी भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर का अडाप्टर जो होता है उससे हम पावर सप्लाई दे सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे टीवी में ही अगर USB केबल लगाने का ऑप्शन दिया गया है तो उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसका जैक भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दो तरह के मोड चेंज करने के लिए दिए गए होंगे, तो ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर आपको क्या करना है ये आपको बताएगा। तो दोस्तों हमारे होम थिएटर का काम होता है दोस्तों रिसीव करना, और ट्रांसमीटर का काम होता है साउंड को वो ट्रांसफ़र करना अपने होम थिएटर के पास। तो हमें ट्रांसमीटर वाले मोड पे ला देना है, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों हमने ट्रांसमीटर वाले मोड पे ला के रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम जल्दी कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी टीवी में दोस्तों यहाँ पर ऑडियो जैक लगाने का ऑप्शन दिया गया होता है, ये वाली केबल लगाने का ऑप्शन हमें मिलता है। तो हमारे मी टीवी में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑडियो जैक लगाने के लिए ऑप्शन, तो हमने अपने ऑडियो जैक वाले केबल को यहाँ पर लगा दिया और इसको जो है दोस्तों हम यहीं पर लगा दे रहे हैं अपने USB में। तो इसको दोस्तों आप अपने USB वाले में लगा दीजिएगा, ठीक है, या फिर दोस्तों आप इस प्लग को चाहो तो आप अपने किसी भी तरह के अडाप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है और हमारा होम थिएटर भी ऑन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट, जो कि ब्लूटूथ ट्रांसमीटर जो हमने अपने टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो हमारे टीवी के साथ ही कनेक्ट होने के लिए मतलब रेडी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें कनेक्ट करना है अपने होम थिएटर के साथ,
क्योंकि दोस्तों टीवी से हमारा ट्रांसमीटर ही कनेक्ट होने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे टीवी में भी ब्लूटूथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे होम थिएटर में दोस्तों रेड लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो कुछ ही सेकेंड में दोस्तों ये हमारा होम थिएटर जो है ऑटोमेटिक हमारे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों हमारा जो ट्रांसमीटर है वो हमारे ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर चुका है, हमारे टीवी को कनेक्ट कर दिया है हमारे होम थिएटर के साथ। यहाँ पर देख सकते हो हमारे होम थिएटर में बी और टी लिख करके ब्लिंक कर रहा था, वो ब्लिंक करना बंद हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, आपको लग रहा होगा कि हम अपने एंड्रॉयड टीवी से ही कनेक्ट किए हुए हैं। तो देख सकते हो हम अपने एंड्रॉयड टीवी का ब्लूटूथ ऑन किए हैं, तो यहाँ पर जेब्रोनिक लिख करके आ रहा है लेकिन कनेक्टेड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि दोस्तों हम अपने टीवी का ब्लूटूथ डायरेक्ट अपने होम थिएटर के साथ कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, बल्कि दोस्तों हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने ट्रांसमीटर को अपने ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ। अब दोस्तों चलिए हम कोई वीडियो जो है वो प्ले करके देखते हैं क्या हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमने दोस्तों एक SD कार्ड लगाया हुआ है पेन ड्राइव, और यहाँ पे दोस्तों हम पेन ड्राइव को ओपन करते हैं और इसमें जो भी वीडियोस वगैरह हैं उसको हम प्ले करके देखते हैं क्या ये हमें साउंड जो है सुनाई देता है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों अब ये वीडियो जो है वो प्ले हो चुका है, साउंड हम बढ़ा रहे हैं अपने टीवी का ही, लेकिन दोस्तों हमारे होम थिएटर में दोस्तों सब कुछ सुनाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो थोड़ा हम जूम, ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा था, लेकिन देख बहुत सारे लोगों ने उस पर प्यार सपोर्ट दिया है, लेकिन कुछ लोगों को सुन सकते हो दोस्तों इसका साउंड आप। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका है अपने ब्लूटूथ होम थिएटर के साथ अपने किसी भी तरह के LED TV या फिर स्मार्ट TV को कनेक्ट करने का। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं।